दिल्ली सरकार अपने गवर्नर से खफा रहती है। जब जगदीप धनखड़ बंगाल के गवर्नर थे तब भी उनकी ममता सरकार से नहीं बनती थी। वही महाराष्ट्र में भी एक्स गवर्नर बीएस कोश्यारी पर ठाकरे गुट ने कई आरोप लगा रखे हैं। खैर, गवर्नर की भूमिका पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका पर कड़े सवाल उठाए हैं। कह सकते हैं कि राज्यपालों को आईना दिखाया है। मामला महाराष्ट्र में शिवसेना के भीतर बगावत के बाद एकनाथ शिंदे के सीएम बनने से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान सवाल उठा, क्या एक फैसला ना होता तो शिंदे अभी महाराष्ट्र के सीएम ना होते। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में आखिर क्या कुछ कहा है। जून 2022 में महाराष्ट्र में अचानक राजनीतिक संकट पैदा हो गया था। राज्यपाल की ओर से कोर्ट में तर्क रखा गया कि शिवसेना के 34 विधायकों का लेटर मिला था, निर्दलीय विधायकों का भी खत था कि वो ठाकरे सरकार से समर्थन वापस लेना चाहते हैं, और साथ ही नेता प्रतिपक्ष सदन में बहुमत साबित करने की मांग कर रहे थे। राज्यपाल की ओर से वो कारण गिनाए गए जिस आधार पर शिंदे के सीएम बनने का रास्ता साफ हुआ था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो कॉमेंट्स राज्यपालों के लिए नसीहत है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने महाराष्ट्र के तत्कालीन गवर्नर की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा, राज्यपाल को उस क्षेत्र में नहीं कहना चाहिए जहां उनके एक्शन से खास परिणाम निकले। कोर्ट ने पूछा, क्या राज्यपाल सिर्फ इसीलिए सरकार गिरा सकते हैं क्योंकि किसी विधायक ने कहा है कि उनके जीवन संपत्ति को खतरा है? क्या विश्वास मत बुलाने के लिए कोई संवैधानिक संकट था? बेंच की ओर से कहा गया, राज्यपाल को विश्वास मत बुलाने से पहले खुद से पूछना था कि 3 साल तक सरकार में साथ रहे विधायक अब क्यों अलग हो रहे हैं। अदालत ने आगे कहा, राज्यपाल ने कैसे अंदाजा लगाया कि आगे क्या होने वाला है? राज्यपाल सिर्फ इसीलिए विश्वास मत साबित करने को नहीं कह सकते क्योंकि किसी पार्टी के अंदर मतभेद है। पीठ ने कहा, जब तक गठबंधन में संख्या समान है राज्यपाल का वहाँ कोई काम नहीं बनता। कोर्ट ने आगे कहा, पार्टी के विधायकों के बीच मतभेद के आधार पर बहुमत साबित करने के लिए कहने से निर्वाचित सरकार गिर सकती है। राज्यपाल को अपने कार्यालय का इस्तेमाल इसके लिए नहीं होने देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 34 विधायकों के प्रस्ताव से लगता है कि पार्टी विधायकों में असंतोष है, लेकिन क्या ये बहुमत साबित करने के लिए कहने को काफी था? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सुरक्षा के लिए खतरा विश्वास मत का आधार नहीं हो सकता। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्हें इस तरह विश्वास मत नहीं बुलाना चाहिए था। इस दौरान शिंदे गुट की तरफ से 2 सीनियर वकील हरीश सालवे और नीरज किशन कौल ने भी अपना पक्ष रखा। नीरज किशन कौल ने तो 1994 का एक फैसला तक याद दिला दिया जहां फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि शक्ति परीक्षण लोकतंत्र का लिटमस टेस्ट है और मुख्यमंत्री इससे दूर नहीं रह सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट का सामना करने की जिम्मेदारी से बचते हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास सदन का बहुमत नहीं है। हालांकि इस पर भी CJI ने जवाब दिया और कहा, मान लीजिए कि विधायकों के एक ग्रुप को लगता है कि उनके नेता ने पार्टी के लोकाचार और अनुशासन को नहीं माना, इसके लिए तो वे हमेशा पार्टी फोरम के भीतर नेतृत्व परिवर्तन के लिए कह सकते हैं। सुनवाई के दौरान कोश्यारी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस दौरान 34 असंतुष्ट विधायकों के साइन वाले लेटर, उद्धव ठाकरे सरकार से समर्थन वापसी की निर्दलीय विधायकों की चिट्ठी और विपक्ष के नेता के आवेदन का जिक्र करते हुए बताया कि गवर्नर के पास ये बेस था, अपने मन से उन्होंने कुछ नहीं किया, इन्हीं सब की वजह से उन्होंने फ्लो टेस्ट का आदेश दिया था। खैर, इस पर भी CJI ने काउंटर अटैक किया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि राज्यपाल के खत से ही लगता है कि उन्हें पहले से ही विश्वास था कि ठाकरे ने सदन के अंदर विश्वास खो दिया है। CJI ने पूछा कि भाई, ये कंक्लूजन गवर्नर कैसे निकाल सकता है? CJI ने आगे फटकार लगाते हुए पूछा, क्या राज्यपाल इस बात से बेखबर हो सकते हैं कि पिछले 3 साल से सरकार चल रही है और गठबंधन की 3 में से 2 पार्टियां चट्टान की तरह मजबूत है, पूरे समय कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ठोस गुट बने रहे? CJI ने चिंता जताते हुए कहा कि शिवसेना कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं बल्कि गठबंधन में NCP कांग्रेस के साथ खड़ी थी, ऐसे में क्या सिर्फ गठबंधन की एक पार्टी में अगर कुछ गड़बड़ है तो मुख्यमंत्री को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाना सही है? ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। फैक्ट ये है कि राज्यपाल इसमें दाखिल नहीं हो सकते थे क्योंकि ऐसा करना मामले को तूल देता, इससे लोग सत्तारूढ़ पार्टी को धोखा देना शुरू कर देंगे और राज्यपाल सत्ताधारी पार्टी को खत्म कर देंगे। CJI चंद्रचूड़ की 5 मेंबर की बेंच ने कहा कि ये मामला सिर्फ गवर्नर के पावर के मुद्दे पर है, गवर्नर को इन शक्तियों का इस्तेमाल बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि 34 विधायक शिवसेना का हिस्सा थे, चाहे उनका आंतरिक मामला कुछ भी हो। राज्यपाल ये नहीं कह सकते कि इन 34 विधायकों का लेटर
सरकार के विश्वास को डगमगाने का बेस है। इस दौरान बेंच ने यह भी कहा कि इस मामले में नेता प्रतिपक्ष के लेटर की कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा यही लिखेगा कि सरकार बहुमत खो चुकी है या विधायक खुश नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सत्ताधारी विधायकों की सुरक्षा को खतरा वाले खत भी लॉजिकल नहीं है। बेंच ने इस दौरान यह भी बताया कि गवर्नर को उस वक्त आखिर करना क्या चाहिए था। जैसे गवर्नर को बागी विधायकों से पूछना था कि अचानक क्या हुआ कि 3 साल तक कांग्रेस एनसीपी के साथ खुशहाल विवाह में रहने के बाद असंतुष्ट हो गए, क्यों गठबंधन से बाहर जाना था। बेंच ने आगे बताया कि बागी विधायक दूसरी सरकार में मंत्री बन गए, राज्यपाल को खुद से प्रश्न पूछने चाहिए थे। राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी तो अब खुद ही पद छोड़ चुके हैं, एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, चुनाव आयोग भी शिंदे गुट को असली शिवसेना बताकर सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दाखिल कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, बस फैसला आना बाकी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तत्कालीन राज्यपाल की भूमिका पर चिंता जताते हुए की गई ये टिप्पणी काफी अहम हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।